वेलकम टू कैफो स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का यूनिट टू जो कि है पॉलीनोमियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तो अब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ दी होंगी और उनके लिए अब हमें इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर x 0 है तो उसके लिए हमें इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, है ना। तो पी ऑफ 0 बेसिकली हमें निकालना है, तो x की जगह 0 पुट कर दिया। अब देखो 5 × 0 क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी। फिर 4 × 0 का स्क्वायर, मतलब ये भी टर्म 0 हो गई। और आंसर क्या बचेगा यहाँ, 0 − 0 + 3, आंसर तो 0, वो 3 बचेगा, है ना। तो इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर x 0 है तो वहाँ पर हो जाएगी 3। बस यही आपको करना है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ x हमें -1 के इक्वल पुट करना है, मतलब मुझे p ऑफ -1 निकालना है। तो देखो x जगह मैंने -1 लिख दिया, तो 5 × -1 क्या होता है, -5, है ना। और -4, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, है ना। फिर +3, तो यही आएगा ना नेक्स्ट स्टेप। तो -5, -4 × 1, 4, माइनस का 4 और +3। अब इसे आप और सॉल्व कर देना फर्दर, आंसर आएगा -6। तो -1 है अगर x की वैल्यू, तो वहाँ पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -6। नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल टू 2, मतलब अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब p ऑफ 2 निकालना है, है ना। x जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा कुछ इस तरह से। तो देखो 5 × 2 = 10, फिर इसके बाद इसे भी सॉल्व करेंगे आप, 4 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, है ना। 5 × 2 = 10। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ये होगा, फिर इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 − 16 + 3 यही आएगा, है ना। 4 × 4 = 16। तो अब इसे और सॉल्व करो, 10 − 16 + 3, आंसर आ जाएगा -9। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू हम इस तरह से यहाँ निकाल लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।